लड़ाइयाँ हर किसी में होती है, कभी किसी छोटी चीज को लेकर तो कभी किसी बड़ी। वैसे छोटी छोटी बातों को लेकर इंसानों का लड़ना जितना कॉमन है उतना ही जानवरों का। वो बात अलग है कि जानवरों में इंसानों से कई ज्यादा लड़ाइयाँ देखी जाती है, कभी अपने खाने को लेकर तो कभी अपने वर्चस्व को लेकर। जानवरों की लड़ाई भी कई बार इतनी भयंकर होती है कि इंसान देख कर कांप जाए। इनकी लड़ाई में ना कोई नियम होता है ना ही कानून, उन्हें तो बस सामने वाले की हार यानी मौत तक अपनी ताकत का लगातार प्रदर्शन करना होता है। और आज हम आपको कुछ ऐसी ही वीडियोस को दिखाने वाले हैं जहां जानवरों ने अपनी ताकत का जमकर शो ऑफ किया। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, क्रेजिएस्ट एनिमल फाइट्स ऑफ ऑल टाइम। आपने 100 पर एक भारी का मुहावरा तो सुना ही होगा, लेकिन आज आप इस बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी देख लेंगे। यहाँ बड़े ही चैन से शेरों का एक झुंड आराम फरमा रहा था, लेकिन अचानक अपनी मौत की दावत देता हुआ एक बफलो इनके पास पहुँच गया। अब भूखे शेरों के झुंड में जब अकेला बफलो आकर दस्तक देगा तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? शेरों ने जैसे ही बफलो को देखा वो एक एक करके उसके ऊपर झपट गए और उसे अपना खाना बनाने के लिए जगह जगह से उस पर अटैक करने लगे। लेकिन बफलो ठहरा जिद्दी, वो कैसे आराम से अपनी जान को ऐसे ही कुर्बान होने देता। बफलो को आया गुस्सा और उसने अपने सिर की ओर चढ़े एक शेर को अपने सिर और सींगों की मदद से ऐसी पटकी दी कि शेर जमीन में जाकर गिरा और उसका सारा कॉन्फिडेंस भी उसके साथ वही धरा का धरा ही रह गया। हालांकि अपने साथी पर अटैक के बाद बाकी के सभी शेर ने तुरंत बफलो को धराशायी कर दिया, लेकिन बफलो की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। शेर के मुंह में हाथ डालना किसे कहते हैं? अगर नहीं पता तो ये देखिए कि कैसे यहाँ एक छोटा सा डॉग एक नहीं बल्कि पूरे दो लायंस एंड लायनेस को अपनी आवाज से पीछे ढकेल रहा है। पहले तो ये वीडियो देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन डॉग को यहाँ अपना इंटेंशन पूरी तरह से क्लियर है। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही मोटिवेशनल वीडियोस देख ली है, जिन्हें देखने के बाद उसने अपनी बराबरी या छोटे जानवर से नहीं बल्कि जंगल के राजा शेर से पंगा लेने की सोची। डॉग को यहाँ अपनी मौत से कोई डर नहीं था, उसे लगता है कि लड़ेगा भी वही और जीतेगा भी वही। हालांकि चौंकाने वाली बात यहाँ ये हुई कि डॉग की आवाज और उछलने के तरीके से दोनों के दोनों शेर और शेरनी डर के मारे अपने कदम पीछे करने लगे। अब इन दोनों ने ऐसा क्यों किया ये तो पता नहीं, लेकिन डॉग के कॉन्फिडेंस की तो यहाँ दाद देनी पड़ेगी। जंगल में अपने खाने के लिए जानवर क्या क्या नहीं करते, कभी वो घंटों ताक लगाए बैठे रहते हैं, तो कभी वो दबे पाव अपने खाने की ओर बढ़ते हैं, तो कभी कभी उन्हें एक लंबी दौड़ लगाकर अपनी पेट पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। अब खाने की इस तलाश में आज आप इसी वीडियो में देख लीजिए कि कैसे एक जैगुआर ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक केमिन को अपनी भूख मिटाने का एक जरिया बनाया। जैगुआर इतना समझदार है कि वो काफी देर तक पहले एक ऊंची सी जगह पर पानी की ओर ताक लगाए केवल इस इरादे से बैठा रहा कि जैसे ही केमिन उसके नीचे से गुजरेगा वो उस पर छलांग लगा देगा और एक बार में ही उसका काम खत्म कर उसे खा जाएगा। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही केमिन जैगुआर के नीचे से गुजरने लगा, जैगुआर ने बिना देर किए कमाल की पानी में एक जंप मारी और कुछ देर बाद वो पानी से केमिन को अपने मुंह में दबाकर ही बाहर ले आया। जैगुआर की प्लानिंग के आगे यहाँ केमिन की एक भी नहीं चली और वो अपनी जान गवा बैठा। बात जब जान पर आती है तो इंसान हो या जानवर, हर किसी का एक अलग सा ही रूप देखने को मिलता है। जिंदगी और मौत की सिचुएशन में हम कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे हम खुद हैरान हो जाते हैं। जैसे इस वीडियो को देखिए, कैसे एक एंटीलोप अपनी जान बचाने के लिए एक सुपरमैन की तरह उड़ उड़ कर दौड़ रही है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अपनी मौत से अनजान एंटीलोप को जैसे ही खबर लगी कि उसके आसपास मौत के साये के रूप में कई सारे लायन और लायनेस मंडरा रहे हैं, तो उसने बस भागना ही ठीक समझा। उसने ना आओ देखा ना ताओ और बस फुल स्पीड में दौड़ लगा दी। एंटीलोप को भागता देख लायनेस ने भी दिमाग का इस्तेमाल करना ठीक समझा और एंटीलोप को चारों ओर से घेरने की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए उसके सामने की ओर आकर खड़े हो गए। लेकिन यहाँ एंटीलोप ने मौत को सामने देख एक ऐसी ऊंची छलांग लगाई कि एक मिनट को तो हम भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हुआ। लेकिन छलांग मारने के साथ ही एंटीलोप रुका नहीं बल्कि पानी में दौड़ता हुआ सभी के सामने से बचता बचाता भाग निकला।
कई बार कुछ लड़ाइयों को देखकर समझ ही नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है, समझ ही नहीं आता कि यहाँ कौन किसका दुश्मन है और कौन किसके पीछे पड़ा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पूरी की पूरी कहानी ही उल्टी लग रही है। यहाँ लेपर्ड को वाइल्ड बोर के पीछे होना चाहिए था या वाइल्ड बोर को लेपर्ड से डरकर भागना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर लेपर्ड की ऐसी क्या मजबूरी थी जो वो वाइल्ड बोर से खुद डरता हुआ छिप रहा है। लेपर्ड तो इतना डरा हुआ है कि वो डर के मारे कैसे तैसे पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है, और वाइल्ड बोर यहाँ बड़े ही आराम से नीचे खड़े होकर लेपर्ड का इंतजार कर रहा है कि आखिर कब तक वो पेड़ पर चढ़ा रह सकता है। बीच में एक बार लेपर्ड पेड़ से फिसलने भी लगता है, लेकिन उसका डर उसे नीचे नहीं गिरने देता। अब ये तो किसी की भी समझ से ऊपर है कि इस कहानी का अंत क्या होगा, लेकिन जो भी हो, वीडियो देखकर तो हमें भी एक बार को लेपर्ड के एग्जिस्टेंस पर शक हो गया। इंसानों को जब गुस्सा आता है तो या तो वो चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालते हैं, या अपने आसपास का सामान तोड़ फोड़ कर, या अगर कोई समझदार इंसान है तो वो शांति से बैठकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन ये हुई इंसानों की बात, पर जानवर को जब गुस्सा आता है तो वो जमीन आसमान एक कर देते हैं, पूरे में अफरा तफरी मचा देते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मंकी ने पहले तो गुस्से में एक पोल की चढ़ाई कर दी, और फिर तब भी जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके आसपास उड़ रही बर्ड्स में से एक को पकड़कर उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया। बर्ड ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन मंकी ने बर्ड को काफी कस के पकड़ रखा था, जिसके बाद उसने बर्ड को उसी पोल के एज पर एक नहीं बल्कि कई बार पटक पटक कर मार डाला। ये देखना काफी भयानक था, लेकिन मंकी को अपने गुस्से के आगे हर चीज नॉर्मल लग रही थी। जंगल में रहते रहते एनिमल्स और बर्ड्स भी ऐसे ऐसे जीने और मरने के ट्रिक सीख लेते हैं कि क्या ही कहे। जैसे इस वीडियो में देखिए कि कैसे एक गोल्डन ईगल अपने शिकार की तलाश में एक ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उसका हीरो की तरह पर फैलाना तब धरा का धरा रह जाता है जब गोल्डन ईगल के आगे उसका शिकार उससे भी ऊंची छलांग लगाकर ईगल के अटैक को एस्केप कर जाता है। यहाँ इन दोनों का भिड़ना काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि एक तरफ ईगल फुल जोश और कॉन्फिडेंस में शिकार की ओर बढ़ता है तो दूसरी ओर शिकार की जंप देखकर ईगल के भी होश उड़ जाते हैं, और वो बाद में काफी देर तक यही देखता रहता है कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या। जानवर जितने खुद खतरनाक होते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है उनका अटैक, और अगर अटैक क्रोकोडाइल का हो तो क्या ही बोले। लेकिन जंगल की दुनिया में डर चाहे किसी भी जानवर का क्यों ना हो, हर बार डर से भागा नहीं जाता, कई बार उसे फेस भी करना पड़ता है। जैसे इस वीडियो में देखिए कि कैसे ज़ीब्रास के एक झुंड को नदी के उस पार जाना है, लेकिन इनके रास्ते में न केवल तेजी से बहता पानी है बल्कि उस पानी में भूख से बेचैन राक्षस यानी क्रोकोडाइल भी है। लेकिन इस बार नदी पार करना जरूरी था, जिस कारण क्रोकोडाइल को सोता देख सभी ज़ीब्रास एक एक करके नदी पार करने लगे, लेकिन तभी एक क्रोकोडाइल की नींद खुल गई और उसने ज़ीब्रा पर अटैक कर दिया। अब क्रोकोडाइल के अटैक को जीत लेना कोई छोटी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी ज़ीब्रा ने यहाँ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और बिना डरे क्रोकोडाइल की पीठ पर अपना पैर रखकर कैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाते हुए नदी को पार कर लिया। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए।